जैसे मैं आप लोगों की पता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो न्यू पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जो भी छात्र एवं छात्राओं ने 2019-20-21 में पास किए हैं यानी कि उत्तीर्ण किए हैं, मैट्रिक से टॉप क्लास की हो, मैट्रिक इंटर बीए ग्रेजुएशन डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक जो भी क्लास टॉप लेवल का हो, अगर वे छात्र एवं छात्राओं ने यहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए छात्रवृत्ति के लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जो है यहाँ पर एक डेट को जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है यानी कि लास्ट डेट जो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग इस डेट के अंदर जो अगर आप लोग आवेदन नहीं करते हैं तो आप लोगों की जो है इस स्कॉलरशिप ये छात्रवृत्ति जो है आप लोग को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर लास्ट डेट जो है जारी कर दिया गया है। तो आप लोग किस डेट तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग की मैं जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग की लास्ट डेट जो है जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। उसी के अंदर जो आप लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि जो है इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं जो कि आप लोग की बनवाने में 2 से 4 दिन जो है आप लोग को समय भी लग सकता है। तो आप लोग इस डेट को जान लीजिए, छात्रवृत्ति को 30 तक आवेदन यानी कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है 30 तक जो यहाँ पर लास्ट डेट जो है जारी किया गया। अब ये नहीं कि अब जो है आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर लास्ट डेट जो है 30 तक है तो मेरा तो पता ही चल गया, वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो आप लोगों की जो है यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, यहाँ पर और भी यहाँ पर बहुत ही टर्म एंड कंडीशन क्राइटेरिया भी यहाँ पर जारी किया गया है जो आप लोगों की आवेदन करने से पहले या आप आवेदन भी कर चुके तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए ताकि जो आप लोग को कन्फर्म यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वे पोर्टल खोल दिया गया है। इस छात्रवृत्ति के लिए जो भी यहाँ पर साइट जारी किया गया ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कहाँ से और कैसे आवेदन करना है, किस प्रकार से कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे, कि यहाँ पर इस साइट के माध्यम से 30 सितंबर तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वर्ग विशेष के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा उठा सके। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा जो यहां पर वर्ग विशेष के यानी कि सभी छात्र एवं छात्राओं की सभी बच्चों से जो यहाँ पर आग्रह किया है कि वे जो है जल्द से जल्द जो यहाँ पर आवेदन करें और अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राओं ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए छात्रवृत्ति के लिए वे जो है आवेदन करें ताकि इसका फायदा जो है सही सलामत सीमित समय पर जो यहाँ पर इस योजना का लाभ खा सके। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र आने की 2019-19 में पास किए हो, 20 में पास किए हो यानी कि यहाँ पर 2019-20 एवं 20-21 और 2021-22 के लिए जो है छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साफ साफ बताया गया है कि आवेदन पूर्ण होने पर रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा यानी कि आवेदन पूर्ण होने पर। चलिए मैं आप लोगों की मैं बताता हूँ कहाँ से और कैसे जो आप लोगों को अप्लाई करना है। आप लोगों की अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है सरकारी सेंटर। आप लोगों की सिंपल सा सरकारी सेंटर जो आप लोगों को इस प्रकार से लिखकर सर्च करना है जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों को सटाकर सरकारी सेंटर लिखना है और सर्च कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर नंबर 1 पर यहाँ पर ये साइट मिल जाएगा, आप लोग को सरकारी सेंटर इस पर जो आप लोगों की क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर पोस्ट किया गया है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर स्कॉलरशिप का भी पोस्ट किया गया है, यहाँ पर अपडेट किया गया है। आप लोग को क्या करना है, स्कॉलरशिप अपडेट में आ जाना है। आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2021, इस पर जो आप लोगों की क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर पोस्ट किया गया है आप लोग आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारा का सारा लिंक जो यहाँ पर एक्टिव किया गया है कि इस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना है, कहाँ से और कैसे जो यहाँ पर आवेदन करना है। अगर आप लोगों की आवेदन करना है तो आप लोग को क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई वीडियो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके वीडियो जो आप लोगों की देख लेना है। 30 मिनट की ये वीडियो है, आप लोगों की फुल स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है इस वीडियो में कहां से और कैसे आवेदन करना है। फाइनल सबमिट तक जो इस वीडियो में बताया गया है बहुत जल्द यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्टीट्यूट लिस्ट एवं डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पर स्टूडेंट लिस्ट में आप लोग के बीच एक वीडियो बनाकर जानकारी देने वाला हूं। आप लोग कहां से और कैसे जो अपना नाम इसमें देख सकते हैं, अपना स्कूल कॉलेज का नाम देख सकते हैं। तो आप लोग की कुछ ही देर में जो यहां पर आप लोग को इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा तो आप लोग देखकर आसानी से अपना स्कूल कॉलेज का नाम देख सकते हैं और अपना जो है नाम खोज सकते हैं, आपका नाम शामिल है, आपका स्कूल कॉलेज का नाम शामिल है पर आने की यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।